नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मानगो क्षेत्र में गोलीकांड की 2 बड़ी घटनाएं इस हफ्ते प्रकाश में आई, जहां एक और आजाद नगर थाना अंतर्गत एनएच 33 स्थित सिटी इन रेस्टोरेंट के बाहर देर रात फायरिंग की घटना को अंजाम दी गई, तो वहीं 8 दिसंबर शुक्रवार के दिन दहाड़े बीच सड़क पर सज्जाद उर्फ टांडा को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, जिस कांड में टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो भी शहीद हो गए। अपराधियों में दबिश बढ़ाने और उनकी धरपकड़ को लेकर आज जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 15 पर देर रात जिला प्रशासन के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया व कई वाहनों के ब्लैक फिल्म तक उतारे गए। सभी की सघनता से जांच की गई। मानगो क्षेत्र में आए दिन अपराधियों की बढ़ती दिलेरी पर लगाम लगाने के आलोक में आज इस एंटी क्राइम चेकिंग अभियान को चलाया गया। बता दें कि बुधवार को ही जिला पुलिस मुख्यालय में SSP कौशल किशोर के द्वारा सभी थाना प्रभारी व अन्य पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर हत्या और लूट जैसी संगीन अपराधों को जल्द से जल्द निपटाने व देर रात अपने क्षेत्र में गश्त कराने और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं से न सिर्फ आम जनता भयभीत है, किंतु जिला प्रशासन पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ी कर चुकी है कि क्या अपराधियों को अब प्रशासन का कोई डर नहीं रहा। यदि दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं होती रहे तो आम इंसान सुरक्षित दिन के उजाले में भी सड़क पर कैसे निकले। मगर रात जितनी भी काली हो सवेरा तो होता ही है। अपराधी जितना भी शातिर हो कानून के लंबे हाथ से बचकर नहीं जा सकता, और जब हमारे जिला प्रशासन दिन रात हमारी सुरक्षा में लगी है तो इन अपराधियों को भी अपने शिकंजे में जल्द ही ले लेगी।